Assalamu alaikum, welcome to my channel. Hope you all doing well. आज की वीडियो में हम कुछ बहुत अलग सा बनाने वाले हैं. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज आउटडोर कुकिंग कर रही हूँ, उसमें हम बना रहे हैं चिकन पुलाव. तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है बर्तन में और इसे गर्म करने के लिए रख दिया. और ये अब आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कुकिंग हो रही है, कुछ बन रहा है. और ये रेसिपी भी मेरी मामा की है और ये वही बना रही हैं और मैं उनकी कर रही हूँ हेल्प और साथ में इसको एंजॉय कर रही हूँ. और आप ये देखें कि ऑयल गर्म हो गया और हमारे जो प्याज थे वो अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए. और यहाँ पर अब हमने चिकन ले लिया है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है. और ये सारे मसाले मैंने पहले से ही अरेंज करके रख लिए थे ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. और ये हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है लाइट लाइट और ये गोल्डन गोल्डन कलर दे रहा है अपना. लेकिन इसे अभी हमने थोड़ा सा और कुक करना है ताकि ये फुली ब्राउन और गोल्डन सा हो जाए. अब यहाँ पर मेरी मामा ने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें इन्होंने चिकन ऐड कर दिया है. और आप ये देख रहे होंगे कि ये क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम जो चावल बना रहे हैं वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बना रहे हैं क्योंकि हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब मेरी मामा ने इसमें डाल दिया है मसाला जो कि इन्होंने घर में ही बनाया है, मिक्स करके सारे जो ड्राई मसाले होते हैं उनको पाउडर बना लिया था वो डाल के. और इसमें हमने नमक ऐड कर दिया था. नमक आप लोग वैसे तो हर पे ज़रूरत ही अपना ऐड करें जिस तरह से आप लोग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली. लेकिन अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया ये हम लोग राउंड अबाउट 7 to 8 केजीज़ का बना रहे हैं तो इसमें 6 टीस्पून जो है फुल भर के वो नमक गया था. और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के रख दिया. अब ये कुछ खुश्क मसाले पड़े हुए हैं जो मैंने रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि इनकी बहुत अच्छी तो खुशबू उठती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. और ये तो वैसे भी मसाले तो जाने ही होते हैं चावलों में, इनका अपना ही मज़ा होता है. और जी ये अच्छे से भुनना शुरू हो गया है और इसे हमने रख दिया है, भुनता जाएगा और थोड़ा सा नहीं गलता भी जाएगा. और फिर हम लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है. पानी भी आप लोग जाहिर सी बात है सब बनाते हैं चावल तो वो अपने ही अकॉर्डिंग जो उन्होंने मैयर किया होता है चावलों को उसके अकॉर्डिंग आई थिंक उसको डबल कर देते हैं और उतना पानी डालता है, यानी कि जितने आपके पास चावल होते हैं उससे ही डबल हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं. उसके बाद इसमें हमने पुलाव बिरयानी का मसाला ऐड कर दिया. ये 2 पैकेट्स हम लोगों के चले गए थे बीच में और फिर हमने इसे अच्छे से उबाल लिया. और ये और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल. ये चावल इसके बीच में जा रहे हैं और फिर हमने इसको दम पे लगा दिया. और फाइनली ये हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है. अब आप इसकी लुक देख रहे हैं और आप ये भी देखिएगा कि ये कितने खिले खिले और बहुत ही मज़ेदार से बन गए थे. ये इसकी गारंटी तो मैं खुद आपको देती हूँ क्योंकि मैंने इसे टेस्ट कर लिया है और अभी भी बताते हुए भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है. ये बहुत ही मज़े का बना था. हालांकि हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था लेकिन हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, सारे मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे और इसकी इतनी मज़े की खुशबू उठ रही थी. और ये देखने में भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना अच्छा और हमारा कितना सक्सेसफुल रहा था कि हम लोगों ने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया और ये हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका. और ये अब हम लोग इसके बॉक्सेस बनाएंगे और हम लोग बाहर जाके मतलब नीडी पीपल्स के साथ शेयर करेंगे. जी आज का मेन मकसद हमारी इस वीडियो का यही था कि जब भी हम कुछ बनाएं कुछ खाएं तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों को भी खाने में अपने याद रखें जो नॉर्मली 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते. तो हमें चाहिए कि हम जो भी बनाएँ हम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा भी हो, जितनी भी हमारी हैसियत हो, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं हमें चाहिए कि हम शेयर करें.
तो अब हमने अपने बॉक्सेस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और इनको हम अच्छे से पैक करके तो फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया होगा कि हमें हमेशा हर हाल में शेयर करना चाहिए। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में जल्दी से आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।